फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल जनरल कॉन्सेप्ट्स ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज बाय अजीत पांडे। सो दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस सब्जेक्ट अंडर बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर। एंड इन दिस लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट जनरल कॉन्सेप्ट्स ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज, और वी कैन से जनरल कॉन्सेप्ट्स ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो आज हम इस लेक्चर में फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का क्या इम्पोर्टेंस है आपके फार्मास्यूटिकल साइंस में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस जो सब्जेक्ट है वो उसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है, क्या क्या पढ़ना होता है, क्या उसके इम्पोर्टेंस है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज ये सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। अब जैसे जब हम जनरल कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के, तो वहाँ यही लिखा होता है कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एंड सेमी क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल सैंपल। इसका मतलब ये है कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में जनरली किसी भी सैंपल का क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन कैसे किया जाता है उसके बारे में डिस्कस किया जाता है। अब ये क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव या सेमी क्वांटिटेटिव होता क्या है इसके बारे में देखते हैं। अब जैसे आपको जब ये डेफिनेशन बताया तो उसमें यही था, फर्स्ट टर्म था क्वालिटेटिव। व्हाट डज दिस क्वालिटेटिव मीन्स? क्वालिटेटिव का मतलब है क्वालिटी, क्वालिटी मीन्स आइडेंटिटी। तो जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है that may be defined as which analyte is present in given sample. अगर कोई आपको analytical sample दिया गया है, कोई pharmaceutical sample दिया गया है, तो उस pharmaceutical sample में compound कौन सा है, क्या present है उस sample में, उसको पता करना ही qualitative analysis होता है। मतलब उस sample की identity पता करना, that is qualitative estimation. सो दिस कम्स अंडर क्वालिटेटिव एस्टिमेशन और क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब ये करते कैसे हैं? तो इसके लिए बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसको स्टडी किया जाता है, और उससे हम पता करते हैं कि सैंपल में कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट है, क्या उसकी आइडेंटिटी है। अब जैसे कि जो बेसिस ऑफ आइडेंटिफिकेशन होता है वो होता है फिज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़, जैसे कि फंक्शनल ग्रुप हो गया, एलिमेंटल कंपोजिशन हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। बहुत सारे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ कंपाउंड के होते हैं, तो इनमें से किसी भी एक प्रॉपर्टी को या दो प्रॉपर्टी को डिटरमाइन किया जाएगा और उससे किसी भी सैंपल में कंपाउंड कौन सा है वो आइडेंटिफाई किया जाता है। तो ये सारा कुछ जो होता है वो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के अंदर ही आता है। सो इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस वी परफॉर्म क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ अनोन फार्मास्यूटिकल सैंपल्स, तो ये किया जाता है। नेक्स्ट जो टर्म आपको बताया गया था एनालिसिस का, जब डेफिनेशन देखे थे तो वो था क्वांटिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है वो देखते हैं। सो क्वांटिटेटिव एनालिसिस मे बी डिफाइंड एज हाउ मच अमाउंट ऑफ एनालाइट इज़ प्रेजेंट इन गिवन सैंपल। तो उसमें था कि कौन सा सैंपल प्रेजेंट है वो, और यहाँ पे है क्वांटिटेटिव में क्या है, हाउ मच अमाउंट इज़ प्रेजेंट इन द सैंपल। तो इसमें क्वालिटेटिव में हम आइडेंटिटी पता करते हैं, और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम आइडेंटिटी तो क्वालिटेटिव में हो जाता है, बट क्वांटिटेटिव में वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है वो पता किया जाता है। तो इसमें हम क्या डिटरमाइन करते हैं, डिटरमिनेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ इच कंपोनेंट प्रेजेंट इन गिवन सैंपल इज डन। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में जो आपका कंपाउंड प्रेजेंट है सैंपल में, तो वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है वो पता किया जाता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। सो दिस क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑल्सो कम्स अंडर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में हम डिफरेंट क्वांटिटेटिव मेथड्स देखते हैं जिसके थ्रू हम किसी भी सैंपल में जो कंपाउंड प्रेजेंट है
तो वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है वो पता किया जाता है। तो ये हो गया क्वांटिटेटिव एनालिसिस। देन कम्स अ टर्म सेमी क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब ये सेमी क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या है, तो आप टर्म को देखोगे तो उससे यही पता चलेगा कि हाँ ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के बीच का होगा। तो बीच का होगा मतलब क्या होगा, एक्चुअली होता ये है कि ये जो सेमी क्वांटिटेटिव है इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस ओनली। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम तो कंपाउंड जो था वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है सैंपल में वो पता करते हैं, तो अब कितने अमाउंट में प्रेजेंट है वो पता करते हैं, बट ये सेमी है मतलब एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता किया जाएगा। इसमें होता ये है कि किसी भी सैंपल में आपका कंपाउंड कितना प्रेजेंट है एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं पता किया जाता है, बट हम कंपेयर करते हैं कि स्टैंडर्ड में इतना है तो मेरे सैंपल में इससे कम है या ज़्यादा है वो पता किया जाता है इसमें, ठीक है। तो जैसे इट इज़ a type of analysis which describe whether the quantity of impurity present in the given sample is below or above the limit such as limit test. तो limit test में वही होता है कि suppose एक sample है water, तो water में suppose आपको chloride की quantity पता करनी है और उसमें fixed है कि chloride की quantity इतनी ही होनी चाहिए, वो standard है। तो हम sample लेंगे, sample में उसका सेमी क्वांटिटेटिव एनालिसिस करके ये हम बता सकते हैं कि वो स्टैंडर्ड में जितना क्लोराइड है उससे सैंपल में ज़्यादा है या कम है, कितना है वो नहीं बता पाएंगे, बट जो स्टैंडर्ड है उससे कम है या ज़्यादा है ये पता चल जाता है। तो इस टाइप का जो एनालिसिस होता है उसको सेमी क्वांटिटेटिव एनालिसिस बोला जाता है। अब ये सेमी क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि क्वांटिटी तो पता की जा रही है कि ये स्टैंडर्ड से कम है या ज़्यादा है वो पता लगता है इसमें, बट एग्जैक्ट कितना अमाउंट है आपके सैंपल में कंपाउंड का वो पता नहीं लगता है, इसलिए ये सेमी क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो गया। तो हम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में इन तीनों टाइप के एनालिसिस के प्रोसीजर्स के बारे में स्टडी करते हैं, कौन कौन सा, क्वालिटेटिव एनालिसिस, देन क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड लास्ट सेमी क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। तो ये सारा कुछ एनालिसिस के अंदर आता है। अब ये फार्मास्यूटिकल एनालिसिस इसको इसलिए बोल दिया गया क्योंकि ये फार्मास्यूटिकल सैंपल्स के लिए हम करते हैं। अब फार्मास्यूटिकल सैंपल्स का क्या मतलब हो गया, मीन्स वैसे सैंपल्स जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में या तो एज ए इंटरमीडिएट प्रिपेयर होते हैं या फाइनल प्रोडक्ट या फिर स्टार्टिंग मटेरियल वो होते हैं। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट है स्कोप ऑफ एनालिसिस। तो इसका जो ये एनालिसिस सब्जेक्ट है या जो डिपार्टमेंट है इसका क्या स्कोप है, तो इट इज़ अ फाउंडेशन पिलर ऑफ द इंटायर प्रोसीजर ऑफ ड्रग डिस्कवरी, आइसोलेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, क्वालिटी कंट्रोल। अब ये सब होता क्या है वो देखते हैं। ये जो है जो एनालिसिस है वो एक्चुअली फाउंडेशन पिलर है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पिलर है ये ड्रग डिस्कवरी का। अब ड्रग डिस्कवरी मीन्स कि सपोज़ कोई भी एक डिज़ीज़ है, उस डिज़ीज़ के लिए अगर कोई एक नया ड्रग मॉलिक्यूल बनाया जाता है तो उसको हम ड्रग डिस्कवरी बोलते हैं। कोई एक नया ड्रग बन रहा है तो उसमें एनालिसिस बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जब भी ड्रग बनाया जाएगा नया तो उसका आइडेंटिफिकेशन करना है कि हाँ जो हमने प्लान किया था वो वही ड्रग बना है या नहीं बना है, तो उसमें एनालिसिस काम आएगा। फिर वो उसकी प्योरिटी क्या है, जितना 100% प्योर फॉर्म में बनना चाहिए था तो वो बना या नहीं बना, तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस वहाँ आ जाएगा, तो उसमें भी ये एनालिसिस यूज़ होगा। तो इस तरीके से ड्रग डिस्कवरी में जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद है आइसोलेशन ऑफ कंपाउंड्स। अब जैसे आजकल हर्बल ड्रग्स बहुत चलते हैं, तो हर्बल ड्रग्स में क्या है, जो भी हर्बल सोर्स होगा उसमें ऐसा नहीं है कि एक ही कंपाउंड होता है, बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं और सभी कंपाउंड्स के अलग अलग थेरेप्यूटिक यूज़ होता है। तो उस कंपाउंड को जब अलग किया जाता है उस प्लांट के सोर्स से तो उसी को हम आइसोलेशन बोलते हैं। तो आइसोलेशन जब किया जाएगा
तो उसमें भी ये एनालिसिस क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस रोल प्ले करेगा। देन स्टैंडर्डाइजेशन हो गया, उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल हो गया। तो क्वालिटी कंट्रोल में क्या होता है कि सपोज़ कोई सैंपल बन गया तो बनने से पहले स्टार्टिंग मटेरियल होगा जिससे वो प्रोडक्ट बनेगा, तो स्टार्टिंग मटेरियल की क्वालिटी को पता करना है तो उसमें एनालिसिस होगा, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस होगा। देन रॉ मटेरियल होने के बाद कुछ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बनते हैं कि जब प्रोडक्ट बन रहा है उससे पहले भी कुछ कुछ बनता है, तो उसमें भी ये एनालिसिस जो है वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया जाता है। उसके बाद फिनिश प्रोडक्ट का तो होता ही है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये जो एनालिसिस है जिसके अंदर ये आप क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव एनालिसिस आता है, तो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन सारे फील्ड्स में, जैसे कि ड्रग डिस्कवरी हो गया, आइसोलेशन, स्टैंडर्डाइजेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये एक डिपार्टमेंट है जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में या फार्मास्यूटिकल फील्ड में प्ले करता है। अब इसके क्या क्या यूज़ हैं वो भी देख लेते हैं। पॉपुलरली यूज्ड इन फॉलोइंग फील्ड्स, जैसे कि बायोलॉजिकल सैंपल एस्टिमेशन। अब देखिए, बायोलॉजिकल सैंपल एस्टिमेशन में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे कि ब्लड सैंपल्स हो गया, यूरिन सैंपल हो गया, सीरम सैंपल हो गया। अब इन सब का सैंपल का एनालिसिस होता ही है, आप हॉस्पिटल्स में देखते होंगे। सपोज़ किसी ड्रग को डायग्नोज करना है, कौन से स्टेज में है ड्रग डिजीज़ आपका, उसको पता करना है तो उसके लिए बायोलॉजिकल सैंपल का एस्टिमेशन किया जाता है, टेस्टिंग किया जाता है। तो जो बायोलॉजिकल सैंपल की एनालिसिस होती है वो भी किसी भी एक एनालिटिकल मेथड से ही होती है। बहुत सारे एनालिटिकल मेथड्स होते हैं जिसमें से किसी मेथड से ये किया जाता है। सो बायोलॉजिकल सैंपल एस्टिमेशन कैन बी डन बाय एनालिटिकल मेथड। उसके बाद फूड डिटर्मिनेशन भी इससे हो सकता है। अब फूड डिटर्मिनेशन, जैसे ये पैक्ड फूड्स वगैरह आते हैं, रेडीमेड फूड्स आते हैं, कैंड फूड्स आते हैं, और आजकल जो ट्रेवल में फूड्स वगैरह मिलते हैं, तो सभी फूड की क्वालिटी को पता किया जाता है बाय एनालाइजिंग देम। और एनालिसिस कैसे होगा? क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड से ही होगा, जो कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के अंदर ही आता है। उसके बाद डेयरी प्रोडक्ट्स एस्टिमेशन। अब ये डेयरी प्रोडक्ट्स एस्टिमेशन क्या है? जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें उसकी क्वालिटी को पता किया जाता है, वो भी इसी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन से हो गया। उसके बाद हो गया सॉइल स्टडी, सॉइल की क्वालिटी पता की जाती है। ये एग्रीकल्चरल फील्ड में ज़्यादातर ये यूज़ होता है कि कौन सा सॉइल किस टाइप के क्रॉप के लिए सूटेबल है, या फिर उसके लिए सूटेबल है भी कि नहीं कल्टीवेशन के लिए, वो सब पता इसी से किया जाता है। देन फोरेंसिक डिटर्मिनेशन, फोरेंसिक फील्ड में भी ये एनालिसिस जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद पेस्टिसाइड एस्टिमेशन इन फूड्स एंड वेजिटेबल्स। अब जैसे ये आजकल फूड्स एंड वेजिटेबल्स जो भी कल्टीवेशन जिनका होता है तो उसमें पेस्टिसाइड्स बहुत यूज़ होता है, बट वी नो दैट दिस पेस्टिसाइड इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। तो वो भी एकदम माइन्यूट क्वांटिटी में होना चाहिए। अब वो है लिमिट क्वांटिटी में है या नहीं है उसको भी हम पता करना है, तो हम ये क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव मेथड से ही कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट डिटर्मिनेशन, इन्वायरमेंट आपका पॉल्यूटेड है या नहीं है। अब जैसे आजकल तो पॉल्यूशन का बहुत ही प्रॉब्लम है, तो इसमें भी ये कितना पॉल्यूटेड है, कम पॉल्यूटेड है, ज़्यादा पॉल्यूटेड है, वो पता करना है तो वो भी हम एनालिसिस से ही कर सकते हैं। ये एनालिटिकल मेथड से ही डिटर्मिनेशन उसका किया जा सकता है। सो इससे आपको ये पता चल गया होगा कि बहुत सारे जगहों पर ये आपका फार्मास्यूटिकल एनालिसिस जो है वो यूज़ होता है। और फार्मास्यूटिकल एनालिसिस अगर यूज़ नहीं किया जाएगा तो हम किसी भी चीज़ का आइडेंटिफिकेशन या फिर उसका क्वांटिफिकेशन नहीं कर पाएंगे, और जिससे बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है,
अब जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि बहुत सारे मेथड्स हैं जो कि एज एनालिटिकल मेथड्स यूज़ होते हैं। तो अब देख लेते हैं कौन कौन से मेथड होते हैं। ये एक आउटलाइन है कि कौन कौन से मेथड होते हैं। सो ये जो एनालिटिकल मेथड्स होते हैं वो ब्रॉडली दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक है इंस्ट्रूमेंटल और दूसरा है नॉन इंस्ट्रूमेंटल। तो ये जो इंस्ट्रूमेंटल है तो उससे टर्म से ही पता लग रहा है कि इंस्ट्रूमेंटल का मतलब हो गया जिसमें एक स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है। अगर किसी एनालिटिकल मेथड में एक स्पेसिफिक कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहा है तो वो इंस्ट्रूमेंटल मेथड के अंदर आ जाएगा, और अगर उसमें कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं हो रहा है तो वो नॉन इंस्ट्रूमेंटल मेथड के अंदर, मेथड ऑफ एनालिसिस के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं नॉन इंस्ट्रूमेंटल। सो ये जो नॉन इंस्ट्रूमेंटल है उसके अंदर दो मेथड्स आते हैं, एक टाइट्रीमेट्री आता है और दूसरा ग्रेविमेट्री आता है। ये टर्म्स जो है आप लोगों ने प्लस टू लेवल पे पढ़ा भी होगा या सुना होगा, जैसे कि टाइट्रीमेट्री जो है बहुत सारे टाइट्रेशन मेथड्स होते हैं जैसे एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, रेडॉक्स टाइट्रेशन। तो ये सारे टाइट्रेशन मेथड्स हैं जिसमें कि स्पेसिफिक कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं होता है और इससे हम एनालिसिस कर सकते हैं। और दूसरा है ग्रेविमेट्री जिसमें किसी भी एनालाइट का मास पता किया जाता है, तो वो है ग्रेविमेट्रिक मेथड्स। सो दीज टू मेथड्स आर मेथड्स ऑफ एनालिसिस और उसमें कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं होता है, इसलिए ये नॉन इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स के अंदर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स। सो इंस्ट्रूमेंटल मेथड में पहला है इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड्स। अब ये इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड्स का मतलब क्या है? अब जैसे कि टाइट्रेशन में क्या करते हैं कि किसी भी चीज़ की क्वालिटी पता कर रहे हैं, वो एसिड का है तो बेस से किया, बेस का है तो एसिड से किया, और उसमें जो एंड पॉइंट डिटर्मिनेशन जो कर रहे हैं वो हम विजुअल इंस्पेक्शन से करते हैं। सो इलेक्ट्रो एनालिटिकल में क्या किया जाता है? इलेक्ट्रिकल मेथड यूज़ किया जाता है फॉर एंड पॉइंट डिटर्मिनेशन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मेथड यूज़ किया जाएगा, विजुअल मेथड यूज़ नहीं किया जाएगा। तो विजुअल मेथड में क्या हो सकता है कि देखने की वजह से एंड पॉइंट एक्यूरेट ना भी आए, ये भी हो सकता है जो एनालिस्ट होगा उससे कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो टाइट्रीमेट्री में ये एरर आ सकता है। बट इलेक्ट्रो एनालिटिकल जो होगा, इलेक्ट्रो एनालिटिकल में ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इसमें क्या है, एंड पॉइंट जो है उसका डिटर्मिनेशन बहुत ही शार्प होता है, तो उससे रिजल्ट्स जो आपको हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट आते हैं एज़ कम्पेयर टू टाइट्रीमेट्री। अब इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड्स के अंदर बहुत सारे मेथड्स आते हैं जैसे कि पोटेंशियोमेट्रिक मेथड होता है, फिर कंडक्टोमेट्रिक मेथड होता है। तो ये सारे मेथड्स जो हैं वो जो कि इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड्स के अंदर आते हैं, और यहाँ पर एंड पॉइंट का डिटर्मिनेशन जो होता है वो इलेक्ट्रिकल मेथड के थ्रू होता है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंटल मेथड में और भी एक मेथड है जैसे कि स्पेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड। अब ये स्पेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको एक स्पेक्ट्रम मिलेगा और उस स्पेक्ट्रम को स्टडी करके हम किसी भी सैंपल का क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। अब ये स्पेक्ट्रम मिलता कैसे है? तो इसमें अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस यूज़ किए जाते हैं जिसको यूज़ करके सैंपल के थ्रू उसको पास किया जाता है और उससे हमें एक ग्राफ मिलता है, स्पेक्ट्रम मिलता है, और उस ग्राफ को स्टडी करके हम उस सैंपल में ड्रग का क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन कर सकते हैं। और ये जो मेथड है ये बहुत ही एक्यूरेट मेथड है और बहुत ही वाइडली यूज्ड मेथड है। अभी के समय में ये मेथड बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है फॉर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन। अब इसमें बहुत सारे मेथड्स आते हैं स्पेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड्स के अंदर, जैसे कि यूवी स्पेक्ट्रो फोटोमेट्रिक मेथड है, विजिबल स्पेक्ट्रो फोटोमेट्रिक मेथड है। यूवी का मतलब हो गया अल्ट्रा वायलेट, तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन यूज़ होगा तो यूवी स्पेक्ट्रो हो गया, विजिबल रेडिएशन यूज़ होगा तो विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया। उसी तरह आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो बहुत सारे मेथड्स हैं जो कि स्पेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड्स के अंदर आते हैं। उसी तरह एक मेथड होता है क्रोमेटोग्राफिक मेथड।
सो क्रोमेटोग्राफी मेथड भी इंस्ट्रूमेंटल मेथड के अंदर आता है। तो जैसे कि स्पेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड में एक स्पेक्ट्रम मिलता था, वैसे ही यहाँ क्रोमेटोग्राफी में एक क्रोमेटोग्राम मिलता है, और क्रोमेटोग्राम से हम किसी भी ड्रग का कंपाउंड का क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करते हैं यहाँ पर। अब स्पेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड में क्या है, आपका सैंपल जो है अगर कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है तो उसका एनालिसिस करने को थोड़ा टफ जाता है, बट क्रोमेटोग्राफी में जो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स हैं जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट हैं उसका एनालिसिस बहुत अच्छे से क्रोमेटोग्राफी मेथड से हो सकता है। जिसमें होता क्या है कि जो मिक्सचर है उसमें अलग अलग कंपोनेंट को पहले डिवाइड किया जा सेपरेट किया जाता है, और सेपरेट करने के बाद उसका फिर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन किया जाता है। तो ये हो गया क्रोमेटोग्राफिक मेथड, जो कि बेटर हैं एज़ कम्पेयर टू स्पेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड्स फॉर कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स। तो ये उसके लिए ये होता है। जैसे कि अब क्रोमेटोग्राफी में बहुत सारे मेथड्स आते हैं, जैसे कि हो गया HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, देन गैस क्रोमेटोग्राफी होता है, उसी तरह TLC होता है, HPTLC होता है, बहुत सारे मेथड्स होते हैं। ये सारा कुछ डिटेल में आगे के लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसी तरह और भी इंस्ट्रूमेंटल मेथड के अंदर और अदर मेथड्स भी आते हैं, जैसे कि RIA हो गया, रेडियो इम्यूनो इससे बोलते हैं इसको, ELISA टेस्ट हो गया। तो ये सारे टेस्ट हैं जिसमें स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं, और ये जो है RIA और ELISA ये जनरली बायोलॉजिकल सैंपल्स को एनालाइज करने के लिए यूज़ होते हैं। तो ये सारे डिफरेंट मेथड्स हैं जो कि एनालिटिकल मेथड्स कहलाते हैं, और इनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है फॉर क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव सेमी क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ फार्मास्यूटिकल सैंपल्स। तो फार्मास्यूटिकल सैंपल्स को एनालाइज करने के लिए, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, क्वांटिफाई करने के लिए ये सारे मेथड्स बहुत ही वाइडली यूज्ड होते हैं। सो आज के लिए इतना ही, आगे के लेक्चर्स में हम और अलग अलग जो इसके मेथड्स हैं उसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।